हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 विषय संस्कृत पद्य 6 सर्व चारुतरं वसन्ते विषे भणीशुं। सर्व एटले के सगळुं अने चारुतरं एटले सुहावणो अने वसन्ते एटले के वसंत ऋतुमां, तो के वसंत ऋतुमां सगळुं सुहावणुं होय छे। तो आपणे कवि परिचय मेळवीए तो कवि के महाकवि कालिदास संस्कृतना अने समग्र विश्वना सुप्रसिद्ध कवि छे। तेमणे कुल 7 कृतिओ रची छे, जेमा मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवर्षीय अने अभिज्ञान शाकुंतल ए 3 नाटकों, रघुवंश अने कुमार संभव ए 2 महाकाव्यों, ऋतुसंहार तथा मेघदूत ए 2 खंडकाव्यनो समावेश थाय छे। महाराजा विक्रमादित्यनी राज्यसभामां 9 रत्नोमां कालिदास पण एक हता एवी मान्यता छे। आना आधारे कालिदासनो स्थितिकाळ विक्रमनी पहली शताब्दी एटले के आजथी लगभग 2000 वर्ष पहेलानो मानवामां आवे छे। आ महाकवि प्रकृतिना अने उपमाना कवि तरीके सुप्रसिद्ध पाम्या छे। एक बाजु अभिज्ञान शाकुंतल नाटकमां तेमणे प्रकृतिगत अनेक पदार्थोने पात्र बनाव्या छे, तो बीजी बाजु मेघदूत अने ऋतु संहार में आ बेहूब बेमून प्रकृतिनो वर्णन करवामां आवे छे। तो आ पाठ में ऋतु संहार मांथी वसंत ऋतुनो वर्णन करनारा 5 पद्यों आपणे अभ्यास करीशुं। 5 पद्यो एटले के 5 श्लोकोनो आपणे अभ्यास करीशुं। तो पहेलो आपणे श्लोक जोईए के द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रिय श कामाः पवन सुगंधिः सुखा प्रदोषा दिवसा च रम्याः सर्वे सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। द्रुमा द्रुमा एटले वृक्ष, सपुष्पा फूलोवाळा, सलिलम एटले पाणी, सपद्मम कमळोवाळो, पद्म एटले कमळ, सपद्मम कमळोवाळो, સ્ત્રીય એટલે સ્ત્રીઓ, સકામા કામનાઓવાળી છે, પવન સુગંધી પવન સુગંધિત છે, સુખા પ્રદોષા પ્રદોષા એટલે કે પ્રદોષકાળ। તો કયો સમય છે જેને પ્રદોષકાળ કે સમય, સાંજનો સમય, દિવસાચ દિવસ, રમ્યા રળિયામણો છે, સર્વે પ્રિય ચારુતરં વસંતે એટલે કે सर्वे प्रिय वसंत ऋतु में बधुज सुहामणो छे। तो आखो अनुवाद जोईए, वृक्षों फूलोवाळा छे, पाणी कमळोवाळो छे, स्त्रीओ कामनावाळी छे, पवन सुवासवाळो छे अथवा सुगंधित छे, प्रदोषकाळ एटले के समय सांजनो समय सुखमय सुखमय छे, દિવસો રળિયામણા છે। હે પ્રિય, વસંત ઋતુમાં સગળું ખૂબ સોહામણું છે, આ એનો અનુવાદ થયો। હવે બીજો શ્લોક જોઈએ, વાપી જનાનામ જલાનામ મણિમેખલાનામ શશાંક ભાષામ પ્રમદાજ જનાનામ આમ્રદ્રુમાણામ કુસુમાનતાનામ દદાતી સૌભાગ્યમ અયમ વસંત। તો અહીંયા જોઈએ, પહેલાં લઈશું કે સૌભાગ્યમ અયમ, અયમ એટલે કે આ, અને વસંત એટલે કે વસંત, આ વસંત, વાપી જલાનામ, વાપી એટલે કે વાવડી વાવોના જળને, મણિમેખલા મણિઓના કંદોરાને ધારણ કરેલી, શશાંક એટલે કે ચંદ્રની ક્રાંતિવાળી, પ્રમાદ જનામ સ્ત્રીઓ, પ્રમાદ જનાનામ એટલે કે સ્ત્રીઓ, આમ્રદ્રુમાણા મોરથી લચી પડેલા, આમ્રદ્રુમાણા આમ્ર વૃક્ષો, દ્રુમ એટલે વૃક્ષ, આમ્ર વૃક્ષો, કુસુમ તાનામ મોરથી લચી પડેલા, દદાતી સૌભાગ્યમ વસંત, દદાતી એટલે આપે છે, અને સૌભાગ્ય એટલે કે સુંદરતા આપે છે, સૌંદર્ય આપે છે। તો આખો અનુવાદ જોઈએ કે આ વસંત વાવોના જળને, મણિઓના
कंदोरा धारण करेली तथा चंद्रनी क्रांतिवाड़ी स्त्रियों ने अने मोर थी कुसुमानाम तानाम एटले के मोर थी लची पड़ेला आम्रद्रुमाणाम मोर थी लची पड़ेला आम्र वृक्षों ने ददाती एटले के आपे छे सौभाग्यम सौंदर्य प्रदान करे छे अथवा सौंदर्य आपे छे। तो फरीवार अनुवाद आ वसंत वावोना जड़ने मणियोना कंदोरा धारण करेली तथा चंद्रनी क्रांतिवाड़ी स्त्रियों ने अने मोरथी लची पड़ेला आम्र वृक्षों ने सौंदर्य प्रदान करे छे। हवे आपणे त्रीजो श्लोक जोईए। कणेषु योग्यम नवकर्णिकारम चलेषु नीलेश्च केश्वम शोकम शिखासु पुष्पम नवमल्लिकाया प्रयांति क्रांति प्रमाद जनाना। तो अहीं जोईए आपणे कर्णेषु, कर्णेषु एटले कानोमां, योग्यम एटले के योग्य, नवकर्णिकारम ताजु करेणनु फूल, ताजु करेणनु फूल, चलेषु नीलेश्व लकेश्व शोकम। हवे अहीं जुओ अलकेशु एटले के वाड़नी लटोमां, वाड़नी लटोमां, पछी नीलेश्व अलकेशु शोकम काळा वाळमां अशोकम अशोक पुष्प, काळा वाळमां अशोक पुष्प, शिखासु पुष्प, शिखासु एटले के शिखाओमां पुष्प, नवमल्लिकायां नवमालिकानुं पुष्प, नवमालिकानुं फूल, क्रांतिं प्रियांति, क्रांतिम शोभा प्राप्त करे छे अथवा सुंदरता आपे छे। तो प्रमाद जनानाम कोने आपे छे? स्त्रीओने। कोने शोभा आपे छे? तो के स्त्रीओने अथवा महिलाओने। तो पहलो आपणे प्रमाद जनानाम पहला लईशुं के महिलाओना कर्णेषु योग्यम, कानोमां योग्य एवुं नवकर्णिकारम ताजुं करेळनुं फूल, नीलेश्वम केशवम शोकम चलेषु फर फरता काळा वाळमां अशोक पुष्प, शिखासु पुष्पम नव शिखाओ पर नवमालिकानुं फूल, क्रांतिम प्रयांति शोभा प्राप्त करे छे। हवे चौथो श्लोक गुरुणी वासासी विहाय तोणम तनुनी लाक्षर सर्जितानी सुगंधि काला गुरु दुपितानी दत्ते जनम कामम काम मदाल मदाल शंग काम मदाल शंग। तो अहीं जोईए पहेलू, पहेलो अर्थ छे गुरुणी वासासी, जाड़ा भारे वस्त्रो, गुरुणी वासासी एटले वस्त्रो, वासासी एटले वस्त्रो। तो जोईए आपणे अहीं वासासी एटले वस्त्रो, विहाय तोणम, तोणम एटले के जल्दी झड़पथी, अने विहाय त्यजीने छोड़ीने, त्यजीने छोड़ीने, तनुनी एटले के पातळा जड़क वस्त्रो छोड़ीने पातळा, लाक्षरम सच्चिताने, लाक्षर सच्चिताने तो लाखना रसथी रंगायेला, लाखना रसथी रंगायेला, सुगंधिं काला गुरुण पुष्पानी
सुगंधीदार काला अगरूना धूपवाड़ा, सुगंधीदार काला अगरूना धूपवाड़ा। धत्ते जन, धत्ते एटले के धारण करे छे, अने जन एटले के लोको, लोको धारण करे छे। तो हवे जो अहीं फरीथी जोईए, आपणे अनुवाद जोईए के प्रेमना आवेगथी, प्रेमना आवेगथी आळसु शरीरवाळा लोको जाड़ा एटले के भारे वस्त्रो जल्दी त्यजीने सुगंधीदार काळा अगरूना धूपवाळा लाखना रसथी रंगायेला झीणा वस्त्रो धारण करे छे अथवा पातळा वस्त्रो धारण करे छे। हवे अहीं आपणे पांचमो श्लोक जोईए। किम किम सुकई सुक मुखच्छ विभिन्नम भिन्नम किम कणिकार कुसुमयनैम हतम मनोजय यत कोकिलः पुनर अयम मधुरय च मधुरयवच भी युना मन सुवदान दनानिहितं निहन्ति। एक मिनिट, फरी वार आपणे आनो वाचन करीशुं। के सुखम मुखच्छ विभी, सुखम मुखच्छ विभी। तो पहला एवं लईशुं आपणे सुखम मुखच्छ विभई भिन्नै। तो सुख एटले के पोपट थाय, पोपटनी चाँच जेवी क्रांतिवाळा, पोपटनी चाँच जेवी क्रांतिवाळा। किम न भिन्नम, किम न भिन्नम, शू भेदायू नथी। किम कर्णिकार कुसुमय, किम कर्णिकार कुसुमय मनोजय, तो करेणना फूलो जेवा मनोभावोथी, करेणना फूलो जेवा मनोभावोथी। किम न हताय, किम न हताय, शू हताय एटले के हणायु नथी, शू हणायु नथी। पछी यत कोकिल एटले के अयम कोकिल, एटले के आ कोयल, आ कोयल। पुनर अयम, पुनर वारंवार, अयम एटले के आई गयो। मधुरम वचोभी, मधुरम वचोभी, मधुर टहुकाओथी। युनाम मनम, मन एटले के मन, एमना मनने। सुवदना निहितम, सुवदनानी सुंदर मुखवाळी स्त्रीओमां रहेला, सुंदर मुखवाळी स्त्रीओमां रहेला मनम एटले के मनने निहंती, हणे छे, मारे छे। अर्थ थया। हवे आपणे आખો અનુવાદ જોઈએ કે પોપટની ચાંચ જેવી ક્રાંતિવાળી, બીજી લીટીમાં જોઈશું, પોપટની ચાંચ જેવી ક્રાંતિવાળા કેસુડાથી શું ભેદાયું નથી, કરેણના ફૂલો જેવા મનોભાવોથી શું હણાયું નથી, વળી આ કોયલ પોતાના મધુર ટહુકાઓથી જુવાનીઓના સુંદરીઓમાં રહેલા મનને હણે છે। તો અહીંયા આપણો પાંચ અનુવાદ પૂર્ણ થયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં જે ટિપ્પણી છે અને સ્વાધ્યાય છે અને શ્લોકોના અનુવાદ પણ આપણે લખવાના રહેશે।